शायद आपको ऐसा लगता होगा कि न जाने क्यों आपका पार्टनर बिना किसी बात से आपसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, पर यहाँ पर एक्चुअल में ये होता है कि आप कुछ गलतियाँ कर रहे हैं एंड आपको एक्चुअल में यही पता नहीं होता कि आपकी वो कौन सी गलती है जो बार बार आप रिपीट कर रहे हो और इसके कारण आपका पार्टनर आपसे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता होगा, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता होगा, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो आपसे इरिटेट हो रहा है। देखो, रिलेशनशिप में ना स्टार्टिंग में बहुत छोटी सी प्रॉब्लम होती है, अचानक से कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो जाती है। बस वो छोटी सी प्रॉब्लम है जहाँ पर उनको हम सही करने में गलत एफर्ट लगा रहे होते हैं। अब सीधी सी बात है कि आपका पार्टनर आपसे कम बातें कर रहा है, तो आप कुछ तो करोगे ना, आप मेहनत करोगे, और वो मेहनत गलत दिशा में होती है और उसके कारण वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझ नहीं होती है कि देखो, जैसे ही एक रिलेशन नॉर्मल होता है, एक नयापन उस रिलेशन से चला जाता है, उसके बाद उस रिलेशन में दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक पर्सन ऐसा हो सकता है जिनका इमोशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, शायद वो आप हो सकते हैं। इसके कारण अभी भी नयापन जाने के बाद भी आपको अपने पार्टनर के साथ इतना ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद है। एंड वहीं पर ऐसा हो सकता है ना कि आपके पार्टनर का इमोशन लेवल मीडियम है, तो कुछ टाइम के बाद इतना ज़्यादा बातें करना या कोई भी तरह की रिलेशनशिप की एक्टिविटी में इतना एक्टिव नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका इमोशन लेवल मीडियम है। एंड यही चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। आपको लगता है कि पहले जैसे चीज़ें नहीं हो रही, तो आप क्या करोगे, एफर्ट लगाओगे। एंड इस वीडियो में मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि ऐसी कंडीशन बनने के बाद तुम तीन बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हो जिसके कारण पार्टनर बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है एंड वहाँ से रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है। तो अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में ये कंडीशन आ रही हो और इस वीडियो में जो चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें लगता है कि अगर तुम ये गलती कर रहे हो, तो प्लीज़ इसको स्टॉप कर लेना, क्योंकि ये तुम्हारे रिलेशन को ख़त्म करने की ओर लेकर जा रहा है। सबसे पहली चीज़, जब पार्टनर थोड़ा सा भी टाइम देना बंद करता है या किसी भी रीज़न से वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेता, तब तुम्हारी उनको लेकर आर्ग्यूमेंट, तुम्हारी उनको लेकर फाइट। अब सीधी सी बात है कि उसका जब रिलेशन में नयापन था तो एफर्ट ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कम हो गया क्योंकि उनका इमोशन लेवल ज़्यादा है। अब आप इस चीज़ को लेकर उनसे लड़ोगे, फाइट करोगे, आर्ग्यूमेंट करोगे, दुनिया का कोई भी बंदा होगा ना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ, किस रीज़न से मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, या मैं आजकल कम बात कर रहा हूँ, या आजकल मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, वो ऐसा बोल ही नहीं पाएगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि हर किसी को अपनी गलती ना एक्सेप्ट करना इतना आसान लगता ही नहीं और कोई कर ही नहीं पाता। तो इसके बदले क्या होगा कि तुम उनके ऊपर आर्ग्यूमेंट करोगे तो वो तुम्हारी बात को न करेगा, तुमसे फाइट करेगा, झगड़ा करेगा। देखो, रिलेशनशिप में जहाँ पर कोई इंसान झूठा है या उनसे गलती होता है और फिर कोई उसके ऊपर प्रेशर बनाता है, तो देखो रिलेशनशिप में क्या होता है कि जब ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन होती है और आप प्रेशर बनाते हो, तो उस प्रेशर के कारण और ज़्यादा गैप बनता है। तो ये पहली गलती और बहुत बड़ी गलती है, आपको आर्ग्यूमेंट और फाइट उन चीज़ों को लेकर नहीं करनी। दूसरी बहुत बड़ी गलती, और बहुत सारे लोग इसका ना बहुत उल्टा मतलब निकालते हैं। देखो, जब कभी तुम्हारा पार्टनर तुम्हें इग्नोर कर रहा होता है, तब तुम ये दिखाने की कोशिश करते हो कि भाई उनको आप कितना ज़्यादा प्यार करते हो, और अभी जो वो आपसे बात नहीं कर रहे तो तुम उनके सामने रोते हो, या तुम उनको दिखाते हो कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो। प्लीज़ इसको स्टॉप करिए, क्योंकि देखो तुम उनको प्यार करते हो, उनको पता है, एंड तुम उनके लिए रो रहे हो, यहाँ पे चीज़ें उल्टी हो जाएगी। देखो, जब वो तुम्हारे साथ स्टार्टिंग में थे, ऐसे टाइम पीरियड में जहाँ पे दोनों चाहते थे चीज़ों को जोड़ना, तब तुम दिखाते ना कि तुम उनको कितना प्यार करते हो, उस चीज़ का बहुत ही सही असर पड़ता, सही इफेक्ट पड़ता। लेकिन अब चीज़ें उलट गई, अब वो मतलब दूर जाने की या पेस बनाने की या इग्नोर करने वाली जैसी चीज़ें कर रहे, तब तुम वही चीज़ करते हो, रोते हो, हर्ट होते हो उनके लिए, और ये दिखाते हो कि भाई तुम उनको कितना प्यार करते हो। देखो, ये चीज़ उनके अंदर बहुत ज़्यादा इरिटेशन क्रिएट करेगा। इसके कारण ही ये सारी चीज़ें होती है। लोग कहते हैं ना मुझे कि यार मैं रो रहा हूँ और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन उल्टा फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, वो इरिटेट हो रहे, फ़र्क पड़ रहा है, इरिटेशन होना उनको ये फ़र्क ही है, लेकिन वो फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी सिचुएशन बदल गई, यहाँ पर ये चीज़ें करने से तुम्हारा काम बिगड़ेगा, सही नहीं होगा। तीसरी बहुत बड़ी गलती, ऐसे टाइम पे जब तुम्हारा पार्टनर इग्नोर कर रहा होता है तब तुम कर रहे होते, ये है कि तुम थोड़ी सी भी पेस नहीं देते और ऊपर से शक करते हो। चलो, डाउट करने वाली बात तो तुम्हें भी समझ में आती होगी कि हाँ,
ऊपर से वो हमें इग्नोर कर रहे होते और तब हम डाउट करते हैं, बहुत ज़्यादा शक करते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है तो प्लीज़ ये तो करना ही नहीं चाहिए। अगर है भी तो भी तुम उनको बोलोगे वो एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, तो इससे कोई बात नहीं बनेगी। दूसरी चीज़, पेस ना देना। जब ऐसे प्रॉब्लम के लिए लोग मुझसे फ़ोन करते हैं तब मैं उनको कहता हूँ कि थोड़ा सा पेस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई वो तुमसे इरीटेट हो रहे हैं। अब लोगों को ये लगता है कि यार ये ऑलरेडी तो हमसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर हम उन्हें पेस देंगे, यहाँ पर हम उन्हें थोड़े अपने लिए अपनी तरह से रहने देंगे तो वो हमें भूल जाएंगे या वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। हाँ, अगर कोई इंसान तुम्हें बिल्कुल भी एक साल दो साल से देखता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है, तो वो भूल जाएगा। इस सिचुएशन के ऊपर तुम सोचो, ये जो परिस्थिति बनी है, अब किसी इंसान से तुम्हारा 7 दिन से झगड़ा हो रहा है, 8वें दिन वो इंसान तुम्हें मिलता ही नहीं या तुमसे बात नहीं करता, तुम्हारा झगड़ा नहीं हुआ, तो जो 7 दिन का तुम्हारे अंदर गुस्सा था ना, 8वें दिन वहाँ से रुक गया, गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ पर वहाँ से आगे बढ़ना रुक गया। वो होता है कि एक जख्म है, तुम उनको खुरेद रहो, 8वें दिन स्टॉप हो गया, तो धीरे धीरे वो थोड़ा सा सही होना शुरू होगा। तो तुम्हारा पेस देना इसलिए ज़रूरी है कि जो इरिटेशन है वो और ज़्यादा इतनी ना बढ़ जाए कि वो फिर ब्रेकअप कर ले या तुमसे वो दूर जाने का डिसीजन बना ले। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि धीरे धीरे आप उस रिलेशनशिप में पेस बनाओ। पर लोगों को ये होता है कि जरा सा पार्टनर ने इंटरेस्ट कम किया, थोड़ा सा उसने इग्नोर किया, वो लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, शक करने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट, फाइट, और बिल्कुल भी उनके पीछे पड़ जाते। इसके कारण उनके पार्टनर होते पूरी तरह से उनसे इरिटेट हो जाते, एकदम परेशान हो जाते हैं, एंड फाइनली आपसे हाथ जोड़कर आपसे ब्रेकअप कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप में जब ऐसी सिचुएशन आती है तब ये गलती नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो फ्री में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।